सोनिया की चाहिए दिया, काली गड्डी चाहिए दिया, जी है दिया। सो गाइस आज से अपन लोग यही करने वाले हैं क्योंकि मैंने खोल लिया अपनी खुद की नाजायज मोटर्स, जहाँ पे अपन भी बड़ी बड़ी गाड़ी लैम्बोर्गिनी, फरारी, मस्टैंग जीडी और पोर्शे जैसी बड़ी बड़ी कार्स अपन सेल करने वाले हैं। बट हाँ, अभी अपना नवाब मोटर्स, नाजायज मोटर्स थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे, तो अपन नैनो से शुरू करेंगे और लैम्बोर्गिनी बेचेंगे। सो लेट्स गो। हमको तो तुम चाहिए दिया। तो गाइस ये रही अपनी नाजायज मोटर्स जो कि अभी अभी खरीदी है। यहाँ पहले गाड़ियों के पंचर वगैरह निकलवाने का काम होता था, तो उससे मैंने ये छोटी सी शॉप खरीद ली है। बाकी अपन इसका नाम अभी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये सारा सामान जो है साफ करना पड़ेगा और इसको प्रॉपर ढंग से अपना नाजायज मोटर्स बनाना पड़ेगा। भाई अभी बहुत छोटी है, तुम्हें दिख रहा होगा सिर्फ एक दुकान है इसके अंदर और इतना सा एरिया है, बट इसके अंदर अपन एक टाइम पे लैम्बोर्गिनी भी बेचने वाले हैं। तो टेंशन मत लो, मेरे को सारा सामान उठा लेने दो पहले। अभी अभी नई शॉप खरीदी है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, बट हो जाएगा। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं अंदर। और यहाँ पे अपना एक कंप्यूटर है जो कि मैंने रखवाया था। बाकी अपन अपने मोटर्स का नाम चेंज कर देते हैं जो कि अपन रखने वाले नाजायज मोटर्स। ओके, ये जे ऐसा लंबा चौड़ा क्यों आया भाई? अरे अरे, वो भाई सही लग रहा है, लेकिन जो भी बोलो। लेकिन गाइस इसके लिए अपने को $10 लगेंगे, वो अपन दे देंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पैसा बहुत है गाइस मेरे पास। बट गाइस ये नाम बाहर निकल रहा है यार, इसका क्या करें? रुक जाओ गाइस, अभी इसका नाम बाहर निकल रहा है, लेकिन अपन इसकी साइज थोड़ी छोटी कर सकते हैं और विड्थ भी इसकी थोड़ी छोटी कर सकते हैं। लेट्स गो, अभी नाजायज मोटर एकदम फिट आ गया है और इसको अपन कर देते हैं रेड कलर में। रेड या फिर ग्रे अच्छा लग रहा है गाइस, बताओ? ग्रे नहीं यार, अभी व्हाइट रखते हैं क्योंकि बोर्ड इसका बहुत गंदा है, और अगर अभी अपन बोर्ड चेंज कराने गए ना तो अपना पैसा बहुत लग जाएगा। अभी अपने को नैनो से शुरुआत करनी है, यूं ना हो कि किसी और के घर में झाड़ू मार के शुरुआत कर रहे हैं, तो नैनो लाने का पैसा तो होना चाहिए ना। तो अपन इसको अपडेट कराते हैं और $10 पे करते हैं। लेट्स गो, अपने मोटर्स का नाम चेंज हो चुका है और वो हो गया नाजायज मोटर्स। चलो भाई अभी अपन सबसे पहले अपने ऑफिस को ओपन कर देते हैं। तो इसको ओपन कर दिया है अपन ने, एंड डन। बट ओपन करने का कुछ मतलब है नहीं, मुझे यहाँ पे पहले गाड़ी वगैरह खरीद के लानी पड़ेगी। और गाइस गाड़ी खरीदने के लिए मेरे को लोगों के घर घर तक जाना पड़ेगा और लोगों से पूछना पड़ेगा कि कोई सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा उनकी गाड़ियों को। अगर कोई सेल कर रहा होगा सस्ते में तो अपन उसकी गाड़ी उठा के ले आएंगे। बाकी अपने जस्ट सामने है ऑटो रिपेयर्स की शॉप, यहाँ पे अपनी गाड़ी रिपेयर होती है, इसके अंदर अपनी गाड़ी पेंट होती है, एंड इसके अंदर अपन अपनी गाड़ी में कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। तो दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, ये भी एक टाइम पे मेरा होने वाला है। हाँ, अभी नहीं है, अभी इसका मालिक कोई और है, बट आने वाले समय में अपन इसको भी खरीद लेंगे। और गाइस ये रहा अपना बस स्टैंड, जहाँ से अपन को बस पकड़नी पड़ेगी और अपन जा सकते हैं नेबरहुड में, कार मार्केट में, गैस स्टेशन पे, रेड बार पे और कंटेनर पे। गाइस ये जो कंटेनर है ना, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और शिट, मैं क्यों आया यहाँ पे? गाइस मेरे $10 और लग गए और मैं बस तुमको ये दिखाने आया कि अभी के लिए अपना ये घर है और इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बेड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, क्या करें, स्टार्टिंग में थोड़ा गरीबी में जीना पड़ रहा है। अभी मैं जाने वाला हूँ डायरेक्ट लोगों के घर पे। कार मार्केट में भी अपन जा सकते हैं, बट यार यहाँ पे ना गाड़ी महंगी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कार सेल हो रही है। अपन नेबरहुड में जाएंगे और वहां देखेंगे, क्या पता लोग बाग कार थोड़ी सस्ती बेच रहे हो। बाकी ये देखो यार, यहाँ ओड़ी जैसी कार रखी हुई है, ये कहाँ सस्ती देंगे यार। बट मुझे ढूंढनी पड़ेगी गाइस, और एक कार मिली है ये इनोवा जैसी, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है इस सस्ते में ये बंदा देगा। रुक जाओ, इससे बात करके देखते हैं। और भाई ये 48,000 में दे रहा है, अपने पास टोटल है ही 7,000। 400 तो भाई खाने पीने के लिए भी तो चाहिए। तो गाइस अपन थोड़ा और आगे चल के देखते हैं, इन घर के बाहर तो गाड़ी ही नहीं खड़ी। तो भाई इनके पास तो गाड़ी है ही नहीं, खुद कंगाल है, मेरे को कहां से गाड़ी बेचेंगे। बाकी एक मुझे ट्रक, यार नहीं भाई मोटर्स बनाना है, फूड वेन नहीं बेचनी मेरे को। हेलो बड़ी, अब एक तो ये तो हाथ है, अच्छा अच्छा, ओहो बड़ी नहीं है, बड़ली है बड़ली। बाकी ये 3,000 में इतना बड़ा ट्रक दे रही है यार, लेकिन मैं यार ट्रक नहीं ले रहा भाई। बाकी सस्ता बहुत दे रही है। ओके ये भी मुझे छोटी गाड़ी तो नहीं लग रही, ये कितने की दे रहा भाई? 8,000। शिट भाई, 1,000 कम दे दे तो मेरा काम बन जाए। तू कितने की दे रही है? तू भाई तू महंगी देगी मेरे को, 20,000 भाई। नहीं यार यहाँ से तो अपना काम ही नहीं चल रहा, अभी ट्रक खरीद के लेके जाऊं क्या? 3,000 का मुझे ट्रक ही मिल रहा है। बाकी ओके सामने की तरफ भी गाड़ी है, अपन चल सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक मिल चुकी है, कुछ तो पुरानी सी कार है, रुक जाओ देखने दो इसकी प्राइस क्या है। ओके 16,000। अरे यार क्या है, कोई छोटी सी कार नहीं क्या? इसकी भी प्राइस उतनी करीबन होगी, कैसी पुरानी कार है तो शायद महंगी दे रहे हैं, क्या पता। मतलब विंटेज टाइप की भी नहीं है, लेकिन इतनी महंगी तो नहीं देनी चाहिए भाई, तू कितने की दे रहा है बता। ओके गाइस मेरे को ये ठीक ठाक कार मिल गई है, मतलब वो टैक्सी वाली नहीं होती है, टैक्सी वाली कार लग रही है मेरे को। बट गाइस मुझे ये बंदा दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 3,500 में, जो कि मैं खरीदने वाला हूँ। और गाइस अपने नाजायज मोटर्स की ये पहली कार होगी, एंड लेट्स गो, चलते भाई इसको चला के। इसमें पेट्रोल अभी अच्छा खासा है, बाकी मुझे घर जाना है, तो इधर से शायद घर का रास्ता निकल जाएगा। मैं अभी शहर में नया हूँ गाइस, तो मुझे इस जगह के रास्ते नहीं मालूम है, बाकी चला के देखते हैं कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता निकलेगा। अबे साले बावला, हाई ठोक देता अभी तो वो बंदा।
बिना देखे चला रहे भाई गाड़ी, शर्म नहीं है लोगों को। हट जा बता रहा हूँ तेरे को। ओके गाइस, मेरे को एक मार्क शो कर रहा है, देखो सामने, शायद अपने को यहाँ जाना है, बाकी यहाँ तो रोड ही खत्म है। अबे यहाँ से ले जा सकते हैं क्या? ओके ओ नहीं 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 गाइस, अपने इंजन वगैरह पे नीचे के कंकड़ वगैरह लगे हैं क्योंकि मुझे आवाज आई है। बाकी गाइस अपनी ड्राइविंग स्किल्स, शिट, मरा 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 मरा, नहीं 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 नहीं। और ये ड्रिफ्ट भाई, ये देख रहे हो तुम गाइस, फुल स्पीड पे अपनी गाड़ी चल रही भाई, गाड़ी की कंडीशन तो बहुत सही है, सही गाड़ी लेके आ गए यार अपन, खराब गाड़ी मुझे लग नहीं रही है। बाकी अपना ऑफिस आने वाला है, और ये रहा अपना ऑफिस, तो इसको ऑफिस में ले जाने से अच्छा है ना गाइस, इसको अपन रख के आते हैं ऑटो रिपेयर शॉप पे, क्योंकि इस गाड़ी में इतनी गंदगी है, इसको यार साफ भी करवाना पड़ेगा। और मैंने अपनी काम की सारी चीजें गाइस मैंने पहले ही देख ली थी कि गाड़ी साफ कहाँ होगी और कहाँ पे रिपेयर होगी, तो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी रिपेयर होने वाली है। तो गाड़ी में से उतरते हैं और भाई इन भाई साहब से पूछते हैं इसमें क्या क्या खराबी और क्या क्या नहीं। ओके तो इसका जो बैक एरिया है ना वो डैमेज्ड है, बस भाई सही है, बहुत सस्ते में रिपेयर हो जा रही है, $150 लग गए, ये अपन लाए थे $3,000 की और $150 इसके ऊपर से लग गए, तो ये अपनी जल्दी से रिपेयर हो जाएगी। बाकी जब तक ये रिपेयर हो रही है जब तक यार मेरे को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास कोई और गाड़ी है नहीं, तो ये अपने शॉप पे कस्टमर्स वगैरह आ जाए। बाकी गाइस ये जो जे है ना भाई, क्या लग रहा है भाई ये जे, मजा आ गया मेरे को, देख रहे हो नाम अपने आप ऑटोमेटिकली इतना प्यारा लिखा हुआ है। ओके मेरी गाड़ी हो चुकी है, जब तक मैं अपनी शॉप पे आया भाई मुझे पहले बता देते 2 मिनट, एक तो टाइम नहीं बताते ये लोग भाई कितनी देर में गाड़ी सही होगी। बाकी अभी भी अपने पास 3800 है, तो इस गाड़ी में बैठते हैं, इंजन ऑन करते हैं और चलते हैं फटाफट से। शिट अभी सही कराइए, अब इसको ठोकना नहीं है, बस मुझे इसको साफ करा के आना है, और साफ करा लूं ना तो भाई मजे आ जाएंगे, शायद गाड़ी चमकने लगेगी और ये गाड़ी साफ होगी। पेट्रोल पंप पे यार एक वॉशिंग सेंटर है जो कि इधर किधर ही था, एक सेकंड रोको, शिट नहीं नहीं मैं गलत आ गया हूँ भाई, मैंने बोला ना मैं अभी इस शहर में नया हूँ, और भाई मेरे पीछे इतनी भीड़, इतनी तेज गाड़ी चलाता हूँ एक तो, फिर भी इतनी भीड़ भाई कोई बात है, चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को मिल गया है शायद, अच्छा ये तो मेरी शॉप आई है ना, एक सेकंड रुको, यही कहीं है यार पेट्रोल पंप मुझे पता है। ओके गाइस मैंने बोला ना मैं इस शहर में एक बार के लिए घूम चुका हूँ, और ये रहा यहाँ पे गैस स्टेशन, और यहाँ पे मुझे ऐसे ड्रिफ्ट मारनी है और ऐसे थोड़ी सी ड्रिफ्ट मारनी है, एंड ये रहा कार वॉश, लेट्स गो गाइस, में रोकते हैं अपन अपनी गाड़ी और गाड़ी से उतरते हैं। भाई गाड़ी खिसक मत, अरे गाड़ी खिसक रही है भाई, गाड़ी को ढंग से लगाना पड़ेगा, पीछे करो गाड़ी, एक तो इतनी खिसक जाती है गाड़ी गाइस, इतनी सॉफ्ट करा के ले आया हूं ना मैं, ए अब पीछे चली गई, रुक जा, ये डन गाइस, मैंने इसको परफेक्टली फिट करवा दिए। भाई इससे पूछते हैं कितने रुपए ले रहा है, यार $50 और इसने ले लिए कार वॉश के। ओ भाई भाई साहब थोड़ा बाहर आ जाओ तुम, निल जा, अरे अरे गाइस इसको नहाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, घर जाके ये आदमी यही नहा लेता है, देखो मैं भी नहा लूं क्या, क्या कहते हो, अभी मैं भी नया नया आया हूं इस शहर में, मैं भी नहा लेता हूं। ओके गाइस मैं एक ही बार में साफ हो गया हूं, मैं इतना गंदा नहीं था, मेरी कार थोड़ी ज्यादा गंदी है। बाकी अपनी कार लगभग 75% साफ हो चुकी है एंड डन, अभी होने वाली है, 2 मिनट और रुक जाओ, मैं ऑफिस खुला किसके लिए छोड़ के आया हूं, बंद करके आना चाहिए ना। ओके गाइस और एक बार के लिए तुम सारी बातें छोड़ो, ये देखो भाई गाड़ी क्या चमक रही है यार, लेट्स गो, मैं चलता हूँ फटाफट से अपनी नाजेज मोटर्स पे, और इस गाड़ी को भाई सेल पे लगाते हैं, बहुत महंगी बेचने वाला हूँ भाई, बहुत सही गाड़ी मिल गई है मेरे को, गाड़ी की लुक्स देखो भाई तुम, मस्त एकदम, कोई आदमी टैक्सी वैक्सी में लगाएगा इसको, डन भाई। अरे यार यहाँ रखनी पड़ेगी क्या मेरे को, ठीक है मैंने रख, एक सेकंड साइड ठुक गई आगे वाले कांच से, अरे रुक जा भाई रुक, देखो मैंने इंजन ऑफ कर दिया फिर भी आगे जा रही है, ओके रुक गई डन, और शायद ये ठुक गई है इधर से, मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको यार, इधर से ये ठुकी तो थी, पता नहीं ये डैमेज ना हुई हो तो ही बढ़िया है, एक सेकंड मुझे देखने दो गाइस। अपन होंडा वीसीव लाए हैं, मतलब शायद ये होंडा सिटी, बट यार होंडा सिटी तो थोड़ी अच्छी लगती है। बाकी गाइस अभी ये है 0% डैमेज, भाई सही है चलो बढ़िया, पेंटेड थोड़ी कम है, पेंट वगैरह अपन करा के नहीं दे रहे क्योंकि गाइस अभी अपने पास इतना पैसा नहीं है, या फिर क्या कहते हो पेंट भी करा लिया जाए, क्योंकि पेंट शॉप अपने बगल में है, और मुझे ट्राई कराना भाई, मुझे करानी है अपनी गाड़ी पेंट, एक सेकंड रुको यार, इतनी प्यारी गाड़ी है मेरे को इसको पेंट करा के देखना है, और इसको कौन सा पेंट कराया जाए, सबसे पहले तो मुझे प्राइस देखनी है यार, क्या पता प्राइस ही बहुत महंगी और मैं इसका पेंट कराऊं ही नहीं, लेट्स सी। हेलो भाई साहब इसका पेंट बताओ आप कैसे करोगे और क्या करोगे। ओके अपन अपनी मर्जी भाई, ब्लैक कलर देखो तुम, और ये एकदम प्रॉपर ब्लैक नहीं, थोड़ा सा लाइट, एक सेकंड रुको गाइस, ये कलर देखो तुम प्रॉपर ब्लैक नहीं है बट थोड़ा सा व्हाइट ब्लैक मिक्स है गाइस, बताओ ये कैसी लग रही यार इसकी, ये बंद करो ना लाइट, पेंट ऑल कार 300 रुपीज का पड़ेगा पेंट यार, ये दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मूथनेस गाइस इसकी अपन स्मूथनेस और कम ज्यादा कर सकते हैं, बट हाँ अपने को इतना स्मूथनेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए, और मेटेलिक लुक गाइस बहुत सही लग रहा है, बस ये थोड़ा सा मैट फिनिश में हो, डन पार्ट्स में छोड़ो पॉलिश, एक सेकंड भाई मैंने अभी चेंज कलर कैसे चेंज हो गया, ओके डन वापिस से वही कलर आ गया गाइस, फैक्ट्री कलर इसका ये था जो कि अभी करंट कलर है, बट मैं इसको पेंट कराने वाला हूँ, एंड लेट्स गो, पेंट हो गया, ओके गाइस पेंट हो गया, और ये
ये देखो बस ये अभी सेल पे है ना, इसलिए इसकी जो नंबर प्लेट है ना येलो है। तुम एक बार सोचो ये नंबर प्लेट व्हाइट जो नॉर्मल वाली होती है वो हो जाए और फिर भाई ये कार क्या लगेगी, देख रहे हो तुम भाई, नेक्स्ट लेवल कर दी भाई मैंने कार को। चलो लेट्स गो, फटाफट से अपन इसको अपनी शॉप पे रखवा देते हैं भाई। अब नहीं ठुकवानी कुछ भी हो जाए। अब पेंट करवा दिया मैंने यार, रुक जा पीछे लो थोड़ा, अब आगे सीधा और रोक दे, बस ओके, बस इसको सेल पे लगाना है मुझे, यहाँ से जाने तो दो। ओके डन, मैं बाहर आ गया हूँ, इसको सेल पे लगाते हैं गाइस। और इस पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है 3500 प्लस 500, ओके मतलब ये मेरे को करीबन $4000 की गाड़ी पड़ी है और इसको मैं बेचने वाला हूँ आराम से 10,000 में भाई। देखो इतना तो बेचना है भाई, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी पेंटेड पूरा है, डर्टी 0% है, पेंटेड फुल है और डैमेज 0% है। चलो भाई सही है, इसकी फोटो वगैरह ऐड नहीं कर सकते क्या गाइस? अभी मेरे पास जो है फोन वगैरह नहीं है, पर ना मैं इसकी फोटो वगैरह ऐड कर सकता था। चलो कोई बात नहीं, इसको अपन सेल पे लगाते हैं। डन गाइस, पुट इट ऑन अ सेल, और मैंने ये सेल पे लगवा दिए और अपना स्टोर ओपन भी है भाई। बस मुझे ये देख, ओके मैं यही कह रहा था, मेरे को कस्टमर्स देखने आते हैं कि नहीं भाई, इतनी चमकीली कार है देखो भाई, भीड़। ओके डन, बिक जाएगी भाई आज ही बिक जाए, 10,000 में देना है मेरे को, दैट्स अ फेयर प्राइस, आई विल बाय टू। भाई ये तो 10,000 में मान गए। ओके ये नहीं, आई थिंक द प्राइस इज रीजनेबल। अबे पागल हो गया तुम लोग भाई, तीन कस्टमर आए हैं और तीनों की तीनों बेचनी नहीं है, सेल से अठारो भाई, कुछ ज्यादा अच्छी गाड़ी हाथ में लग गई क्या है? इसको सेल पे, अरे सेल से अठाओ, पुट इट ऑन अ सेल, तो सेल पे तो है ही ना, वो तो मुझे पता ही है सेल पे है। मैं डोंट सेल करने वाला हूँ, सबको डोंट सेल करने वाला हूँ, हट जाओ भाई। क्या यार, लेकिन क्या मैं इसको बेच दूं? डोंट सेल का ऑप्शन ही नहीं भाई, किसको बेचूं भाई? गाइस अब मैं ये देख लेता हूँ कौन सा गाड़ी चलाने वाला बढ़िया लगेगा इसके अंदर। ये बंदा बढ़िया लग रहा है, इसको बेच देता हूँ भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इन्हें डोंट सेल। गाइस ये गाड़ी गई यार, बहुत सही गाड़ी थी। एंड डन, मेरे पास इस टाइम 13,000 रुपीज आ चुके हैं और रात हो गई है, तो ये बेड टाइम मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना अपना अपने ऑफिस को क्लोज कर दे। चल भाई गेट वेट मैंने लगा दिए, अभी मुझे जाना पड़ेगा बस स्टैंड से घर की साइड। बाकी गाइस धीरे धीरे अपन अपने लिए भी गाड़ी खरीदने वाले हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो मजा ही आ गया, पता नहीं क्या हुआ ये, मैंने कम प्राइस यार, मुझे पता है उस भाई। ये देखो भाई आज का अपना रिजल्ट भाई, $6,490। लेट्स गो गाइस, भाई छोटे मोटे ना प्रॉफिट करता ही नहीं हूँ मैं। लेट्स गो, वापिस से चल रहा हूँ मैं अपने ऑफिस पे। ओ शिट, अरे गलती से नेबरहुड पे आ गया यार मैं, लेकिन ठीक है नेबरहुड पे अपन आ ही गए हैं, तो क्यों ना कार देख ली जाए भाई। 10,000 रुपए लेके आए और इनोवा मिली अपने को गाइस। इनोवा कितने की दे रहा भाई, इससे पूछते हैं। बाकी 16,000 की दे रहा था गाइस, 16,000 की इनोवा असली वाली आ जाएगी 16,000। ओके 83 भाई, क्या कौन सी गाड़ी, BMW लाइफ टाइप की लग रही थी। बाकी इतना गाड़ियों का नॉलेज नहीं है, ये भी इनोवा है वो भी इनोवा। साले तूने नहीं दी ना 1-2 हजार रुपए में, तो बता रहा हूँ मैं तेरे यार, 18,000 की ऐसा क्या है इस गाड़ी में। हट जाओ गाइस, वो वाली इनोवा देख के आऊंगा। बाकी मैं ये ट्रक भी अच्छा लग रहा है, लोडिंग ट्रक है गाइस, थोड़ा सा छोटा वाला। 12,000, हट भाई, मैं वापस 3,000 में लेके जाने वाला हूँ गाड़ी और है ना बेचने वाला हूँ उसको 10,000 रुपए, ठीक है। वो मैंने सस्ते में निकाल दी गाड़ी, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था उसको चेंज करने का। बाकी ये 6,000 में दे रहा है इनोवा, ये थोड़ा सा इनोवा का भी छोटा लुक सा हो गया भाई। अरे नैनो दे रहा है साला, मैंने बोली थी नैनो से स्टार्ट करूंगा, ये तो सही में नैनो से स्टार्ट करवाना चाह रहा है। बाकी गाइस मेरे को एक और गाड़ी मिल गई है, वैसी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है भाई प्राइस में, डिफरेंस ना प्लीज 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 प्लीज। 8,000 गाइस, क्या ये 8,000 जैसी है? बाकी इस पे ना ब्लैक कलर है यार, डैमेज भी तो बहुत लग रही है मेरे को, ये पूरा एक साइड डैमेज इसका। गाइस मेरे को और छानबीन करनी है, अभी स्टार्टिंग फेज है और स्टार्टिंग फेज में मैं 8,000 की गाड़ी नहीं ले सकता भाई, मुझे इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी जगह से मैं अपनी गाड़ी लेके आया था इससे पहले, शायद अपने को इधर से और मस्त मस्त गाड़ी मिल जाए। बाकी इधर से ली थी मैंने इससे पहले गाड़ी, ये बंदा गाड़ी मेरे को अच्छी नहीं लगी भाई, ये तो गाड़ी अच्छी नहीं है। कोई अपने को अच्छी लगेगी ना भाई लुकिंग में, वही गाड़ी लेके जाएंगे। बाकी एक मुझे अच्छी लग चुकी है, 8,000 की है वो, उसको कम से कम भी नहीं तो 20,000 की बेचनी है मुझे। और गाइस एक और मुझे मिल चुकी है, डन, ये भी वही लग रही है टैक्सी भाई, ऊपर विंडो है, रूफ विंडो है इसमें। गाइस लेट्स गो, 3,000 की वापस से मेरे को मिल चुकी है गाड़ी। एंड डन, मैंने इसको खरीद लिया है। बाकी इसका मैंने डैमेज वगैरह देखा नहीं है, ये क्या ये डैमेज है या फिर डस्ट है भाई, पता नहीं, कोई बात नहीं देखी जाएगी। फ्यूल भी अच्छा खासा है, मैं चलता हूँ फटाफट से अपने ऑफिस पे, या फिर यही रास्ता क्यों मिलता है अपने को, ठीक है कोई बात नहीं, यहीं से जाना पड़ेगा मेरे को। और यहां से मैंने चढ़ा दी वापस से अपनी सड़क पे, एंड लेट्स गो, इधर की साइड ही अपना घर है, सॉरी घर कह रहा हूँ ऑफिस, बट इसको मैं ऑफिस पे नहीं छोड़ने वाला। रुक भाई रुक, पीछे की साइड ये गैस स्टेशन है ना, पीछे क्यों नहीं जा रही, चलना भाई पीछे, शायद मेरे सामने ओके यार रेड बार है, तो भाई बार बार में बाद में आएंगे, अभी मेरे को थोड़ा घर बार चलाना है तो पैसा कमा लूं, बाद में उड़ाएंगे बार में पैसे, तो अभी के लिए चलते हैं अपन यहाँ पे। और ये क्या है भाई, ये शायद कार स्टोर है, कार सेल वगैरह जहाँ पे होती है, कोई बात नहीं भाई। ओके ये मेरे को मिल गया है अपना गैस स्टेशन। रोक भाई कार, रोक कार, रोक, पीछे कोई कार तो नहीं आ रही, पीछे तो देख ले, डन इन कारों को निकल जाने देते हैं। इसको इस बार अपन पहले वॉश कराने वाले हैं, उसके बाद इसको सही करा के आएंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इसको अपन वॉश करवा देते हैं। इधर से अपन निकल ही रहे हैं तो वापस नहीं आना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत फ्यूल भी बचेगा, फ्यूल के साथ
गाड़ी देंगे अपन तो अच्छा रहेगा। और ये फिर ढरक के आगे आ गई। अरे यही तो गंदा लगता है मेरे को, पीछा पीछा एंड डन गाइस। इसको मैंने सही रखवा दिया, पीछे बचा। ओके बच गए, इतने में तो भाई कर देना पॉलिसी इसको। ओके योर कार इज सो डर्टी। तो ये वापस से $50 ले रहा है शायद गाइस। ये बिका हुआ आदमी कितनी भी गंदी हो $50 ही लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 3000 की कार में फिर से सेम टू सेम खरीद के ले आया हूं। और इस बार इसको मैं $20,000 पे डालने वाला हूं। हां इस पे भी पेंट कराएंगे, सेम पेंट कराएंगे भाई। मुझे यार सेम पेंट कराया यार, ये सेम कार है और लोगों को इतनी पसंद आ गई थी ना, सेम ही पेंट कराने वाला हूं मैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये गंदा हो तो ही बढ़िया है भाई, इतना डैमेज मेरे को झेला नहीं जाएगा, पैसा बहुत ले लेगा क्योंकि इससे गाइस मेरी वाली कार ही मेरे को बेच दी क्या वापस? अबे लेकिन उसमें ऊपर रूफ विंडो नहीं। भाई ये जादू क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मेरे पे गेम ज्यादा रहम कर रहा है कि ये ऐसा ही था। अब मैं सही में गेम बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ये मेरी गाड़ी मेरे को कोई बेच गया बे। मैंने तो 10,000 में बेची थी, मेरे को क्या, मेरे को 3,000 में वापस से मिल गई गाइस मेरी गाड़ी। और मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ भी डैमेज है भाई। किस्मत देख रहे हो तुम मेरी, ऐसे ही थोड़ी है। गाइज वेलकम टू नाजायज मोटर्स। हमारे यहाँ कार डैमेज नहीं आती तो हम कार को डैमेज करके सही करवाते हैं, लेकिन कार सही जरूर करवाते। हक दिया भाई, हक दिया। कितनी प्यारी कार थी यार, पेंट कराने तक की जरूरत नहीं थी। मेरी वाली कार मुझे कोई लौटा गया था भाई, लेकिन ठीक है भाई, जैसी जिसकी किस्मत, भगवान ने ज्यादा दे दिया था वापस ले भी लिया, इसलिए कहते हैं गाइस खुश नहीं हुआ। अरे भाई ढरक के पता नहीं कहाँ, ब्रेक व्रेक नहीं है क्या इस कार में? ब्रेक का ऑप्शन ही नहीं है गाइस। भाई करेगा तू इसका काम करेगा? ओके काम कर रहा है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और $33 ही लग रहे हैं भाई। किस्मत भाई, किस्मत बोलते हैं इसको, किस्मत। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना खुश नहीं होते, क्या पता आने वाले टाइम में अपने को बहुत दिक्कत आए। लेकिन अभी अपना जो धंधा चल रहा है ना भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कसम से बता रहा हूँ, इतना प्यारा धंधा किसी का नहीं चला होगा। और ये कूड़ा कौन फेंक के जाता है भाई मेरी शॉप के सामने, कोई बात ही है? प्रॉपर यहाँ 3 कचरे के डब्बे पड़े थे भाई, किसी की तो जल रही है किसी एरिया में, तो कोई तो मोटर्स वाला है जिसको अपन टक्कर दे रहे हैं भाई, क्योंकि पहली कार ही जो बेस दिए ना मैंने भाई, टक्कर तो दे रहे हैं। बाकी एक जो नई कार लाया हूं ना भाई, वो भी सेम वही कार है, मैंने बोला था वही कार है, बाकी रिपेयर हो गई है। चलो लेट्स गो। और शायद इसको 33 भी इसीलिए लगे क्योंकि इसको अभी अपन ने खुद ने डैमेज करी थी, बाकी सेम पेंट है जो मेरे को चाहिए था, यही पेंट कराने वाला था मैं। लेट्स गो चलते हैं भाई। इसमें एक और स्पेशलिटी है, इसमें रूफ विंडो है भाई, रूफ विंडो ही बोलते हैं ना भाई, इतना सब कुछ। बच गया भाई, इसको वापस ठोकने से बच गया हूं। बाकी मैंने कैमरा व्यू चेंज कर लिया है, अब मेरे को पार्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड लेट्स गो, ऊपर की गाड़ी पड़ी थी। और गाइज ये देखो 3000 मतलब 3200 की गाड़ी है, 3300 मैक्स टू मैक्स। बाकी अपन ने इसमें भी डैमेज जीरो, पेंटेड जीरो और डर्टी जीरो। लेट्स गो, फ्यूल भी ज्यादा है भाई पहली वाली से। भाई मैन मैं क्या कह रहा हूँ इसको ना, 30 अब मैं थोड़ा ज्यादा लालच नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है 30,000 में बेचने वाला हूँ इस गाड़ी को। बाकी अपना ऑफिस ओपन है एंड लेट्स गो भाई, देखते हैं। इस बार मैंने प्राइस इसकी 3 गुना रखी है, लिटरली 3 गुना। मैंने 10,000 भी सोच के ये रखी थी कि 6,000 में गाड़ी बेच दूंगा, कि ये बंदा आ चुका है। हेलो बड़ी, भाई को 30,000 प्राइस अपन ने बताई है। चाड़ा देखा, चाड़ा खाएगा चाड़ा। गाइस थोड़ा थोड़ा सा ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि प्राइस घटा के आ जाते हैं, जो मैंने थोड़ी सी ज्यादा रख दी। गाइस 20,000 पे लगा देता हूँ इसको मैं, जो है थोड़ा सा अपनी औकात पे आ गया मैं, थोड़ा सा मैं बोलता रहूँगा। जब लोग बाग है ना ऐसे चढ़ा देते हैं भाई, 10,000 देगा सेम गाड़ी की, 10,000 देखेगा, मैं बता रहा हूँ। या तो भगवान ने कृपा करी थी कि तेरा पहला धंधा है, पहली गाड़ी महंगी बिकवा देता हूँ, लेकिन क्या पता ये वाली बिकेगी नहीं। सेम गाड़ी ले आया हूँ मैं, सेम डिटो गाड़ी उठा के लाया हूँ। तुम नाम देखो भाई, भगवान भी कह रहे होंगे बेटा मेरे को धोखा करेगा, मेरे साथ धोखा। लेकिन ठीक है, मैंने इसकी प्राइस 20,000 कर दी है और इसको वापस से सेल पे लगा दिया है। देखते हैं कस्टमर वगैरह आते हैं कि नहीं। बाकी भाई ये देखो मेरे पास अभी भी 10,000 है और मैं जाने वाला हूँ भाई डायरेक्ट अपने नेबरहुड में जो गाड़ियां मिलती है ना, या फिर एक सेकंड रुको गाइस, मैं जाने वाला हूँ कार मार्केट और भाई यहाँ देखने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी कार अपने को मिल रही है। और यार यहाँ पे तो भाई ये देखो तुम, क्या बात है भाई, पुरानी से लेके सारी नई कार तक अपने को यहाँ मिल रही है। बाकी अपनी ऑफिस में कोई तो आया है कार देखने, मेरे पास नोटिफिकेशन आया गाइस, देख रहे हो सब कुछ अवेलेबल है मेरे यहाँ पे। बाकी ये कार मुझे लग रही है कि मेरे बजट में मिल जाएगी 28,000 भाई, चलना। ये विंटेज नहीं, स्पोर्ट्स विंटेज लग रही है, पता नहीं गाइस इतना अंदाजा नहीं है। और हां भाई स्पोर्ट्स विंटेज ही थी ये शायद, 1,800 नहीं, 180 में दे रहा था, बाकी 62 था भाई। हम बोला था ना मैंने महंगी मिलेंगी कारें यार, मुझे पता था क्योंकि ये लोग भी सेल कर रहे हैं, मतलब ये भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जो नेबरहुड से अपन लेके आ रहे हैं ना भाई, क्या पता उनको कोई मजबूरी हो जब वो कार बेच रहे हो। और एक सेकंड, अबे ये क्या हुआ, कस्टमर इन द ऑफिस, ऑफिस में कोई तो कस्टमर है, बट ये एकदम मुझे फटाफट से ऑफिस में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई जो कस्टमर से ये कितने में गाड़ी ले रहे हैं। लेट्स गो। हेलो मैम आप बताइए, आप इसको 15,000 में लेके जाइए,
चलेगा? 20 हाँ मैंने ऑफर किए 20। भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, क्या है, हैं 4000 गाइस इसको बेच दूं क्या यार? 20000 में लगाई तमीज सालो। खैरी मेरे को 4000 की भी नहीं पड़ी है गाड़ी तो। बाकी आज के दिन में इस ऑफिस को क्लोज करने वाला हूं भाई, मुझे नहीं बता रहे, जाओ ना तुम क्लोज कर दिया ऑफिस, जाओ हां जाओ, भाग जाओ यहां से भाई। गाइस शायद भगवान ने पहली गाड़ी अपनी महंगी बिकवाई है, ये गाड़ी नहीं बिकेगी। अपन धोखा करने चले थे भगवान के साथ, लेकिन उन्होंने अपने साथ ही धोखा कर दिया, 4000 की गाड़ी दे रहे भाई, -3000 गाइस। कोई बात नहीं, कल 6000 का प्रॉफिट किया था। मुझे लग रहा है गाइस मुझे भी वो वाली रील्स बनवानी पड़ेगी, छोड़ियों की चाय दिया, लेकिन यार मैं छोरी तो हूं भाई, लड़की देख के लोग आ जाते क्या पता, लेकिन अब कैसे आएंगे। ये देखो भाई, अब तो मेरी देखो गाड़ी नहीं बिकी ना गाइस, देख लो भाई गाड़ी नहीं बिकी ना, इसलिए सिर्फ कोई एक पोटली चेक किया है, अभी भी जल तो रही किसी। ओके डन, एक कस्टमर आया है और ये यू हैव एन स्किल पॉइंट गाइस, मेरे को कोई तो स्किल पॉइंट मिला, वो देखते हैं अभी। और अपनी कार डर्टी हो गई है भाई, रात में रखे और ये 4300 ले रही है भाई, तू थोड़ी देर खड़ी रहे। एक और ओके, एक और कस्टमर आया, हेलो मैम, अरे मैम बात करो, बाद में चलना है यार, बात करो। ये यार मुझे क्या लग रहा है ना, कल इसका एक कस्टमर आया था 4100 का और ये एक कस्टमर आया 4400 का, मुझे क्या लग रहा है इस गाड़ी को निकाल देना चाहिए या फिर एक और कस्टमर आओ ना यार, रुक जाओ इसको ना मैं क्या करता हूं, डोंट सेल पे क्लिक कर देता हूं, डन ये चली गई है बस ये। ओके हां एक कस्टमर गया, दूसरा आया, बस मुझे ये देखना था कोई और उससे ज्यादा प्राइस बता दे यार, 5000 मुच्छड़ कितनी गाड़ी लेगा, भाग जाए यहां से, तेरे को दी ना इससे पहले वाली। मैम आप खड़ी रहो, थोड़ी देर खड़ी रहो, मैं आपको बताता हूँ आपको बेचने के लिए, ठीक है भाई। कस्टमर ही नहीं आ रहे यार, बेच दूं क्या इसको? बाकी मेरे को कोई तो स्किल पॉइंट मिली है। एंड ये क्या है, स्टार्ट बार्गेनिंग। ओके अपन बार्गेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और किसी चीज की तो डिटेल देख सकते हैं और अपने व्हीकल्स को खुद साफ कर सकते हैं। गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, बार्गेनिंग स्किल अनलॉक कर लें और डन, यू कैन बाय अ कार एन लोअर प्राइस और सेल कार ऑन हायर प्राइस। ओके डन, मैंने अपनी बार्गेनिंग स्किल ऑन कर ली है, बट यार मेरे को क्या लग रहा है ना, स्पॉन्ज ऑन कर लेना चाहिए था, मैं कार कभी भी खुद घर बैठे बैठे साफ कर सकता था। बाकी यार कस्टमर नहीं आ रहे, क्या ये गाड़ी अपन सेल कर दें? मुझे लग नहीं रहा इसका कोई भारी भरकम कस्टमर आएगा। और ये भी चली गई, शिट ये भी भाई चली गई है, कोई बात मैं ऑफिस को ओपन करता हूँ और इसका प्राइस भाई वापस से मैं 10000 करने वाला हूँ, क्या पता ये 10000 में बिक जाए यार, बस बिक जाए 10000 में, ले जाओ कोई बात नहीं भाई, इन लोगों ने 4000 बोल के मेरी भजीती करा दी, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बार्गेन कर सकता हूँ, तो क्यों ना कोई बंदा आया अगर 5000 में लेगा तो मैं 7000 का बार्गेन कर सकता हूँ, लेट्स सी। आने दो, कस्टमर अभी तो है नहीं। एक चीज लिखी हुई आ रही गाइस, द ऑक्शन इज ओपन फॉर टुडे, ये कहां पे होता है, ऑक्शन वगैरह भी होते हैं क्या? लेकिन 10000 लेके जाऊंगा क्या ऑक्शन में, मेरी फजीती सी हो जाएगी भाई। लेकिन ऑक्शन होता गाइस, देखो नेबरहुड कार और पता नहीं गाइस होता होगा ऑक्शन, छोड़ो ये गाड़ी बिक क्यों नहीं रही है, कोई आ क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया? ऑफिस क्लोज करके वापस ओपन करता हूं गाइस, क्या पता रिफ्रेश हो जाए इन लोगों का माइंड। बाकी ये लोग आते हैं जब तक मैं देख के आने वाला था दूसरी कार, एंड लेट्स गो, कोई बंदा आ नहीं रहा ऑफिस पे, तो मैं वापस जाने वाला हूं नेबरहुड पे, क्योंकि यार मुझे वापस चाहिए कुछ तो कार्स, और ये फिर से वही कार है यार, इसको खरीदूं नहीं खरीदूं भाई, सेम कार बहुत है इन लोगों के पास, ये कितने की दे रहा है, 10000 सकल देख ले अपनी, ऐसी कार पड़ी है बिक और नहीं रही है। बाकी गाइस ये रही, ये इसको बोलते हैं इनोवा, भाई बताओ आप कितने की दे रही है गाड़ी, 44000, थोड़ा सा ना अपना रैम खा लो अपने ऊपर ही और खुद ही खरीद लो, पास करते हैं भाई, 10000 कुल लेके आया हूं जेब में। बाकी गाइस ये गाड़ी मुझे बहुत सही लग रही है, ये गाड़ी दे तो मैं ले लूंगा, 10000 है मेरे पास, 19000 ओके बार्गेन पे क्लिक करते हैं और मैं इसके लिए पूरे 10000 देने तैयार हूं। नहीं यार 1000 में सही भी तो करानी पड़ेगी, क्यों ना इसको 9000 ऑफर करें, कैन यू बट आई कैन नॉट, ओके ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गाइस, तो क्यों ना इसको अपन 9500 में बेच के देखते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर ऑफर फॉर द कार, यार लास्ट 10000 भाई पूरे पैसे, आई एम ऑलरेडी सेट द प्राइस ऑन द कार एट द रीजनेबल लेवल सो आई डोंट वांट, चुपचाप है ना काम कर ले साले, बार्गेन भी कर रहा है और फिर भाई बदतमीजी कर रहा है कि मेरे को नहीं बेचनी है, मैंने पहले सेट कर रखी प्राइस, भग जाए यहां से, ऐसे बोल के भगा दिया गाइस मेरे, मैं बताऊं क्या ही बताऊं तुम लोगों को भाई, बहुत धोखे मेरे जीवन में, तुम लोग समझते नहीं हो, तुम लोग समझो तो कब समझोगे। बाकी एक और कार मिली है मेरे को, रोने धोने साइड में उठाते हैं इसको, 5000 में डन करते हैं गाइस, क्योंकि 8000 की मिल रही थी, हाँ मैंने बोला था ना 8000 की, ठीक है मैं 5000 देने तैयार हूँ भाई, ले ले, ओके नहीं दे रहा है, 5500 भाग जाए यहाँ से, एस्तेस करा ले, चल नहीं चाहिए तेरी कार, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, उस कार को बेचना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कोई ना कोई तो कस्टमर आ रखा है। बाकी घर जाने के लिए इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा यार, नेबरहुड में यही दिक्कत है, अगर कार नहीं मिले ना अपने को तो पैदल यहाँ तक जाओ और फिर घर पे 10 रुपए लगा के जाओ, देख रहे हो मंदी देख रहे हो, वरना मैं कार से आता कार उठवाता, कार लोगों को बोल देता टो करके ले जाते ऑफिस में रख देते अपने आप रिपेयर हो जाती, भाई धंधा एकदम ऐसा बड़ा वाला कर दूंगा, कोई बात नहीं गाइस अभी इन लोगों को देखते हैं। और मुच्छड़ साले फिर आ गया तू, ऑफिस वाले भैया आप बताओ आप कितने में ले रहे हो कार, आप ले रहे हो कार को फालतू भाई, किसी से मांग के पहन रखा है कि प्रेस वेस की दुकान है तेरी, तो मुच्छड़ ही रहेगा, इससे अपन बार्गेन कर सकते हैं शायद यार, 4300 की ये गाड़ी लेने आया था पता कोई एक बंदा, इन दोनों को ना भगाओ, चलो भग जाओ ठीक है, डोंट सेल, और तू भी जाए यहां से, चलो हट जाओ, मैंने इन दोनों को भगा दिया है और ये कार अपने पास ही रह गई
रही है यार, 4300 वाली से बार्गेन करके ना मुझे ये बेच देनी चाहिए थी, बट वो खुद ही चली गई, मेरी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने उसको रख रखा था कि भाई उसे बेचूंगा बेचूंगा। ठीक है छोड़ो गाइस, आज जो ऑक्शन है वो है 4 बजे और उसके लिए अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम बाकी है और मेरे को ये नहीं पता बट वो ऑक्शन होगा कहाँ। लेट्स सी गाइस, कार मार्केट में जाके देखते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है यार। मैं फालतू में अपने ना 10-10 रुपए खराब कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे होता है ये कार। बाकी ये छोड़ो, मैं चलता हूँ वापस नेबरहुड या फिर यार ऑफिस जाना चाहिए और मेरे को वेट करना चाहिए कस्टमर्स का, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी 4 बज गए, पता नहीं ऑप्शन कहाँ होता है। ये है क्या भाई ऑप्शन? गाइस यही ऑप्शन है और यहाँ पे वही विंटेज कार आ रखी, देखो अगर तुम्हें दिख रही हो तो। ताकि भाई भाई बोली लगा रहे लोग भाग, और दूसरी कार आ गई। हेलो सर मैं जा सकता हूँ ना? डेली टिकट 300। अरे भाग जाए यहाँ से, जाने दे अंदर मेरे को। ओके ये गाड़ी 21,000 में बिक गई है और इस पे अभी बिट लग रही है। एंड लेट्स गो भाई, 17,000, 17,500, 17,800, 18,600 में बिक गई है। और भाई ये अगली कार आ गई भाई, ऑप्शन में सही सही गाड़ी आती है। इसमें तो प्राइस ही डायरेक्ट 30,000 कुछ की लग रही है। भाई 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 यार अमीर लोग भी आ रखे हैं यहाँ पे, अपना क्या काम है यहाँ। देख रहे भाई इन लोगों की शक्ल देख के कितने अमीर लग रहे हैं। 36 तो इसकी प्राइस पहुंचा दी इन लोगों ने, 37, 38 भाई डायरेक्ट 1,000-1,000 की प्राइस बढ़ा रहे हैं भाई। 39 भाई लो, 40 मुझे नहीं लग रहा भाई 45 से कम में बिकेगी। 42, 42.8, 43 में बेच दी भाई। और अभी आ गई अपनी BMW, BMW आती है शायद ऐसी, ठीक है इसकी प्राइस अभी तक किसी ने बताई नहीं। 37 भाई डायरेक्ट मेरा, गाइस अपना क्या काम बताओ। लेकिन भाई मेरे को ना ये ऑप्शन देखने में मजा बहुत आता है, मैं डिस्कवरी चैनल पे देखता था सर, डिस्कवरी चैनल पे आता था पहले बाहर के लोगों का जो अपना दवा हुआ सामान बेचते थे, पता नहीं क्या भाई। ओके ये कितने में बिकेगी गाइस, क्या कहते हो? एक सेकंड भाई, वो बेची भी तो नहीं तुमने? पागल लोग हैं क्या ये, खत्म हो गया लगता है क्वेश्चन। बाकी छोड़ो गाइस, टाइम पास हटाओ, मैं चलता हूँ फटाफट से अपनी शॉप पे, वहां पे कस्टमर आके खड़ा हुआ है भाई। और कस्टमर नहीं भाई, कस्टमर आए हाय भैया सॉरी आ ही रहा था ना यार, गुस्सा हो के चले जाते हैं। ठीक है भाई थोड़ा सा और वो देखने गया था मनोरंजन भी। ओके 4,400 की मिल गई मेरे को छोरी वापस से भाई, ये छोरी महंगी है। ठीक है भाई तू बता दे एक बार, भाग जा यहाँ से, चल हट जा। मैम आप, मैम मैम इसलिए कहते हैं गाइस स्टार्टिंग के दिनों सर, मेरी बात सुनो, 4,500 में ले जाओ गाड़ी तुम 4,500 में ले जा दे। ठीक है बदतमीजी करना मत, बकवास नहीं देख, ले ले 4,000 में ले ले भाई, 100 रुपए बढ़ा रहा हूँ। ओके गाइस 4,000 में मैंने गाड़ी, तू आई थी तो बताना था ना, आवाज लगानी थी ना पीछे से कि मैं भी खड़ी हूँ, मेरे से पूछ लो प्राइस। अरे भैया मेरे जीवन में भाई समस्या बहुत है, मैं कोई गाड़ी लेके आने वाला हूँ 10,000 रुपए की, उसको सही करा करू के मैं उसको 15,000 में क्यों बेचूं, कम से कम 20,000 में तो बेचूं यार। गाइस मैंने बोला था ना खुश हो गया भाई, मैं खुश हो गया था। और अबे जब शाम ही करनी थी तुम्हें तो मुझे बता ही देते, मैं 10 रुपए लगा के यहाँ आया डायरेक्ट अपने घर चला जाता या लोग। बाकी मैं अपने ऑफिस को ओपन छोड़ के आया हूँ, कुछ है तो नहीं, लोग कचरा फेंक के अलग चले जाएंगे, कोई बात। बाकी आज के दिन अपने को 4,000 का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि अपने कुछ खरीदा नहीं, कुछ किया नहीं। चलो चलते भाई, आज के दिन अपने को कम से कम भी नहीं तो 5,000 का प्रॉफिट तो बनाना है, और 5,000 का प्रॉफिट बन जाएगा यार। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ नेबरहुड में क्योंकि ऑफिस कल रात का ही खुला है, और यहाँ चलते हैं। और अब यहाँ देखते हैं कुछ अलग टाइप की गाड़ी भाई, ये BMW लग रही है मेरे को वापस से, क्योंकि यार जो BMW मेरे को पता है क्या पहचान मेरे को लगता है, ये जो है ना ये BMW में आता है मेरे, आई थिंक सो। लेट्स सी, बार्गेन करके देखते हैं, 10,000 में दे तो ठीक वरना चलती बात चल। अरे तेरे से ऑफर ले और बोल चल हट जा, पागलपंती मत किया कर मेरे से। बाकी गाइस एक कार ये है जो कि मुझे लग नहीं रही इतनी सस्ती देगा यार, ये डायरेक्ट इसकी प्राइस ही बहुत हाई बताएगा। ओके 50,000 मैंने बोला था ना भाई, गाड़ी अच्छी लग रही है भाई, दिखने में अच्छी लग रही थी गाड़ी। ओके ये गाड़ी शायद मुझे मिल सकती है सस्ते में, डैमेज भी बहुत है भाई मेरे को दिख रही है, डैमेज बहुत है। 8,000 ओके, गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं गाइस? ये सेम सी गाड़ी है यार, महंगी है भाई, रुक जाओ मुझे थोड़ी बहुत और गाड़ी देख के आने दो, ये गाड़ी भी नहीं चाहिए भाई, बहुत खटारा गाड़ी है। एंड वो विंटेज कार मेरे को दिख रही है, ढोल मूवी वाली, ढोल मूवी में थी ना भाई, ये गाड़ी नहीं चाहिए मेरे को। इस गाड़ी की प्राइस देखते हैं भाई, अगर ये दे रही होगी ना 5,000 में, नहीं यार लेकिन बहुत महंगी देगी, 23 भाई हट जा। मैं एक बार उधर की साइड और ट्राई कर लेता हूँ, शायद मेरे को कोई गाड़ी मिल जाए, बाकी फिर मैं वो 8,000 वाली लेके जाने वाला हूँ। बाकी ट्रक व्रक आ रखे हैं यहाँ पे। और सर आप गाड़ी कितने में दे रहे हो एक बार बताएंगे आप? अब क्लासिक वाली हाँ हमको पता, 1,000 रुपए इधर। बाकी चली हुई बहुत है, 82 चली हुई है, ठीक है 1,500 ऑफर करते हैं इसको। यार 1,500 में माना नहीं है आदमी, ये बेच रहा है 1,900 में ना, तो यार 800 में तो शायद मान जाएगा, या फिर 700 करा के देखते हैं। अबे भाई अबे दे, अरे 800 कितने में दे रहा था ये, हाँ मान जाएगा। गाइस खरीद लिए मैंने गाड़ी ये 1,900 रुपए में, तो इसमें बैठते हैं भाई। इतनी सस्ती गाड़ी मिल गई यार, ये बिकेगी कि भी नहीं बिकेगी इतनी महंगी? बाकी पेट्रोल नहीं है इसमें, मुझे जल्दी से घर जाना पड़ेगा। लेट्स गो फटाफट
फटाफट से अपन घर चलते हैं, और शायद ही वो रोड आ चुकी है जिस रोड से मुझे घर जाना होता है। अबे नहीं, शायद तो मैं गलत रोड पे हूँ, एक सेकंड मुझे देखने दो, आगे से चले जाएंगे। नहीं, मैंने यहीं से मोड़ ली। ओके, मुझे सामने जाना है और सामने एक रोड है। लेट्स गो, हट जाओ भाई, मैं जा रहा हूँ फटाफट से अपनी इस वाली रोड पे। और भाई, मैं हर बार इस वाली रोड से लेके आता हूँ कार। अच्छा, मैंने उसी कॉलोनी से खरीदी है ये कार भी, इस बार मैं हर बार उसी कॉलोनी से ये कार खरीदता हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं अपन, इसको रिपेयर कराते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो डैमेज्ड है मेरे को जहां तक पता है। अच्छा, कार वॉश आ ही गया, तो क्यों ना इसको वॉश ही करा दें अपन। रोक भाई, रोक गाड़ी, रोक ले भाई, इसको सही कर दे फटाफट से। इसने वापस से $50 लिए भाई, बिका हुआ आदमी है, मुझे पता है यहाँ का $50 ही लगते हैं, कैसी भी गाड़ी लाओ। बाकी गाइस, यहाँ गैस स्टेशन है, अपन इसको यूज कर सकते हैं। आई कांट एड फ्यूल देयर, प्लीज पार्क योर कार इन द मिडल। ओके, यहाँ कार पार्क करके अपन अपनी कार में फ्यूल भी भरा सकते हैं, सही है भाई। ओके भाई, कितनी ओके, अपनी कार हो गई है साफ। हट जा भाई, जाने दो मेरे को, लेट्स गो भाई, चमक गई है एकदम। कलर में यही रखने वाला हूँ इस बार, कलर चेंज नहीं करने वाला। बाकी सामने मत आना भाई, कोई भी ठुक जाओगे वरना, मेरी कार की स्किल्स तुम जानते नहीं हो। हट जाओ भाई, मैं ओ लग गई, मैंने फिर ठोक दी, फ्रंट बम्पर वॉज डैमेज। चलो बहुत बढ़िया, मुझे लग नहीं रहा था भाई ये डैमेज्ड है फिर। अरे क्यों लाता हूँ मैं इतनी तेज गाड़ियाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई, मेरा फूफा बदमाश है इसलिए लाता हूँ। ठीक भाई, कितना ज्यादा डैमेज है ये 9। बाकी फ्रंट तो मैंने ठोकी है, ठीक है 9% मैंने डैमेज किया शायद, बाकी बची हुई खुद से डैमेज है। ठीक है भाई, ₹500 लग रहे हैं इस पे। जो फ्रंट बम्पर है ना वो मैंने तोड़ा है इसका, बाकी सब पहले से टूटा हुआ था। ठीक है भाई, कर दे इसको सही तू, ठीक है एक एक करके सही करेगा, अभी 11% ही सही हुआ है। मैं फटाफट चलता हूँ अपने अपने ऑफिस पे, और ऑफिस को सही कर देता हूँ वापस से, किसी की जली पड़ी है और कोई तो फेंक के गया कचरा अपने ऑफिस के सामने। इसको उठाओ और इसको डालो यहाँ पे, लेट्स गो। अपना ऑफिस खुल रही था तो क्या पता उस कचरे फेंकने वाले को लगा होगा भाई कोई तो है, इसलिए इस बार कम फेंक के गया। बाकी कार तो बिक गई, जली बहुत गंदी वाली होगी भाई। ला भाई दे दे यार, साफ कर दिया मैंने ऑफिस ऑफिस तो अपना। भाई तू किसकी कार सही करता रहता है, पागल है क्या तू, कार मत साफ किया कर किसी, मैं आऊँ तो ही साफ किया कर। बाकी गाइज, ये 50% ही सही हुई है। ओके 60% सही हो गई भाई, जल्दी जल्दी सही हो रही है। एंड डन गाइज, इसको मैंने जहां तक पूरी सही करा ली है, और ये मेरे को ज्यादा नहीं 2500 की पड़ी होगी मैक्स टू मैक्स साफ कराने करोने के बाद। चल के देखते हैं और इसको लगाते हैं भाई सेल पे, देखते हैं कितने की बिकती है अपनी गाड़ी। लेट्स गो, आराम से इसको लगाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा बाहर लगा दूं तो दिक्कत थोड़ी है, बस यहाँ पे भी खड़ी कर दूं। ओके डन, यहाँ लगा तो दी मैंने। बाकी गाइज, ये पूरा एरिया मैं खरीदने वाला हूँ, देखना तुम धीरे धीरे बस देखते जाओ। ओके, अपन कोई तो क्लासिकल गाड़ी लेके आए, पोस्टर टाइटल भी दे सकते हैं अपन। ओके, पहले टाइटल की जगह अपन ये देखते हैं अपना टोटल खर्चा हुआ है, मैंने बोला था ना 2500 का, इसको मैं लगाने वाला हूँ 5000। नहीं यार, इतनी सस्ती नहीं है, ओल्ड कार है, तो इसको मैं 10000 लगाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी पोस्ट टाइटल पे मैं डालने वाला हूँ द विंटेज कार, लेट्स गो। मैंने डाल दिया है, और ये पेंटेड थोड़ी कम है, इसको मैं पेंट नहीं करा के लाया हूँ इस बार, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ भाई जिस पे अपन पेंट नहीं कराते, क्या पता वो और भी सस्ती बिकती हो या फिर वैसी महंगी बिक जाती हो, तो पेंट करा के क्यों देनी किसी को। बाकी अपने पास $11,000 इस टाइम पड़े हैं, वापस से चलते हैं नेबरहुड में और ऐसी एक सस्ती सी गाड़ी वापस उठा के लेके आते हैं। बाकी इस बार मैं महंगी भी ला सकता हूँ, बट नहीं यार, पता है अगर एक बार महंगी ले आई और वो नहीं बिकी ना तो मैं अटक जाऊंगा जब तक वो बिकेगी नहीं, इसलिए मैं मेनली लाना नहीं चाह रहा कोई भी महंगी कार। देख रहे हो गाइस, मेरे में बुद्धि तो है, इस वाली लेन पे जो भी है कोई भी अच्छी कार नहीं थी, मैं इससे पहले देख के गया हूँ। इस वाली जो कॉलोनी में ना मैं पूरी कार देख के नहीं गया था ढंग से, तो लेट्स सी कोई कार मेरे को यहाँ मिल जाए। बाकी एक ट्रक खड़ा है गाइस, क्या कहते हो ट्रक ले लूं मैं, उस ट्रक में मैं ना मैं गाड़ियां लेके आऊंगा भर भर के। इस कार की मैंने शायद प्राइस पूछ ली थी, इसकी भी पूछ ली थी, ठीक है इसकी पूछ के देखते हैं, ये शायद मुझे मिल जाएगी वापस से। ये विंटेज कार है, ये अपने को दे रहा 43 में। नहीं भाई नहीं चाहिए यार, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, समझा करो थोड़ी यार, गरीब की मजबूरी समझो यार। दादी दादी तुम तो मेरे मम्मी, अरे हो दादी समझ गई, 13 में दे रही है, बट यार कार भाई वही खटारा कार है यार, नहीं चाहिए यार, दादी के पास रखो। बाकी गाइस ट्रक की प्राइस पूछे क्या, बहुत महंगी देगा यार ट्रक, 3000 में। अबे अच्छा वो ट्रक वो सस्ता दे रहा था यार, वो भी सस्ता दे रहा था, ट्रक का ऐसा क्या झोल माल है, ट्रक महंगे नहीं बिकते क्या, या फिर बहुत खराबी है इसमें भाई, कुछ भी हो सकता है। गाइस रिस्क ले लूं क्या, अगर ये 3 में दे देगा, प्रॉपर 3 में दे देगा तो मैं रिस्क ले लूंगा। 3600 बार्गेन करते हैं, 3000 में दे दे, ठीक है ओके, मना कर दिया इसने 3100। ओके 3200 लास्ट, 3200 में भी नहीं माना गाइस, लेना चाहिए कि नहीं, डन मैंने बाय कर दिया गाइस, मुझे नहीं पता मैंने ट्रक बाय कर दिया, क्या होगा आई डोंट नो, पेट्रोल भी नहीं है भाई इसमें, इतना चल भी नहीं रहा है। ओए ओए भगसाले ठुक मत जाइयो गाइस, मैंने गलती तो नहीं कर दी है इसको खरीद के, पता नहीं भाई ये नहीं चल रहा भाई, मुझसे चल ही नहीं रहा है, मैंने शायद कुछ तो गलती कर दी, कहीं तो चढ़ा दिया था, और रात होने वाली है, मैंने $3000 शायद कूड़े में डाल दिए, क्या पता भाई ऐसे नहीं बोलते, देखते शायद बिक जाए भाई। इसको वॉश वगैरह करवाऊं क्या, ये भी वॉश होता होगा क्या, कार नहीं है बट ट्रक है, क्या पता वॉश नहीं होता हो, ट्राई करेंगे, पहले चले तो सही यहाँ से। बाकी ये थोड़ा सा मोड़ने पे कैसी आवाज कर रहा है, शायद इसकी टायर वायर खराब है। बाकी भाई रात में कोई भी गाड़ी लाना कितना आसान है, एक भी गाड़ी नहीं आई मेरे सामने। बाकी मेरे सामने कार वॉश आ गया है, तो क्यों ना इसको अपन वॉश करा के देखते।
सकते। लेट सी, कहीं भी टकराना मत भाई। अरे यार ये तो गलत सीन हो गया। पीछे कर पहले, पीछे कर पहले, पीछे। अरे अरे भाई ये गाड़ी पीछे ही नहीं आ रही है। वाह, और पता नहीं अभी पीछे कैसे जाएगी, मुझे नहीं पता। शिट भाई मैंने हक दिया, और ये पता नहीं कहां चल रही है कहां नहीं चल रही। वाओ गाइस मैंने एक गाड़ी फंसवा दी है इसको शायद। ओके मैं टो करा सकता हूं, टो की कितने रुपए लगेंगे। बाकी कार डैमेज तो है, डर्टी भी है यार, तो इसको साफ करेंगे अपन कल सुबह। अभी सामने अपने बस स्टॉप है, इसको अपन चलते हैं डायरेक्ट घर पे। बस ये गाड़ी यहीं खड़ी रहे, मैं सुबह पहले जल्दी से आ जाऊंगा कार वॉश करने वाले से पहले। तो फटाफट से सोते हैं, और आज मैंने 5000 का लॉस करवा दिया है। कोई बात नहीं भाई, एक कार अपनी शॉप पे खड़ी है, मतलब एक नहीं भाई दो कार अपनी शॉप पे खड़ी है एक तरीके से, एक ट्रक है वो भी बड़ा वाला। तो फटाफट से अपन चलते हैं वापस अपने गैस स्टेशन पे, और देखते हैं अपना जो ट्रक है ना भाई ये वॉश कर दे यार। आगे खड़ा है, कोई नहीं भाई तू पीछे से वॉश कर दे। लेट्स सी, यार नहीं कर रहा है ये वॉश। कोई बात नहीं भाई, इसको अपन टो कराते हैं डायरेक्ट अपनी शॉप पे, मतलब ऑटो रिपेयर वाली शॉप पे, और वो वहां चला गया ऐसा ट्रक। लेट्स सी, मुझे जाना है फटाफट से अपनी ऑफिस, और कोई तो कस्टमर आ रखा है, अगर अच्छी खासी प्राइस दे रहा होगा गाड़ी की तो वो लेंगे। और पता नहीं अब ये किसकी इतनी गंदी वाली जली की अपने यहाँ पे इतना कचरा फेंक के गया है, ये उठाने में नहीं आ रहा भाई, ये कौन फेंक के गया है भाई, कैन कौन पीता है। छोड़ो गाइस मैं देखता हूँ कस्टमर से बात करके। और ये अपने गाड़ी का 10,000 प्राइस बताया मैंने, 3,900 दे रहा है। सर रुको एक सेकंड, बेच देंगे अभी नहीं बेच रहे, मोटी आंटी है थोड़ा पैसा वाला लग रहा है मामला, और पैसा नहीं है मामले, मामला सारा खोखला है, गैस भरी पड़ी इसमें। ये तो देखो मैंने पैसा लगाया कितना था, ओके मैंने 2,500 रुपीज लगाए थे ना इसमें, और ये दे रहा है मेरे को 3,100। अगर इसको अपन बार्गेन करके 3,500 बोले लेता हूं तो ले, वरना जा भाई। ओके मना कर रहा है, चल जा। ओके दो जने और आए ना भाई, नहीं देने गाड़ी नहीं देने। हेलो मैम आप बताइए, आप बहुत थोड़ा ऐसे रिच क्लास लग रही है, थोड़ा पैसा अच्छा बोलना। बेशरम लोग। हेलो सर आप कोट वगैरह पहन के आए, आप बताइए। अरे भैया सब ऐसे ऐसे क्यों मेरे पल्ले पड़ जाते हैं सारे। इससे बार्गेन करके देखते हैं, 3,500 ऑफर करते हैं इसको, नहीं मान रहा, चल भग जा। आप बताइए मैम, भग जाइए आप यहाँ, आपको सेल करने के लिए नहीं खोला है हमने आपका पैनल, डोंट सेल। भाई कस्टमर को भगाता हूँ जिससे कि नए कस्टमर आए, वरना इतनी भीड़ देख के भाई कोई नया आएगा। चलो मैंने सबको भगा दिया है यहाँ से, बाकी मेरा ट्रक लगा हुआ है अभी यहाँ पे। ट्रक में पता नहीं अभी कितना खर्चा आने वाला है यार। हेलो सर 3,050 भाई, ठीक है मैंने इसको लगवा दिया है काम पे। ट्रक तेरी छत के आर पार हो गया, तुम्हारे यहाँ इतनी जगह नहीं है कि तुम ट्रक रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्यों कर रहे हो रिपेयर। ठीक है गाइस दे देगा वो रिपेयर करके, अपन चलते हैं फटाफट से यहाँ पे। और ये कचरे की थैली फंस गई है यार, रुक जाओ इस कचरे की थैली को ना निकालने दो, लेकिन ये जब तक सेल से नहीं हटाऊंगा कार जब तक कार हिलेगी नहीं। तो छोड़ो गाइस कार बेचने के बाद ही देखेंगे, बाकी मेरा ट्रक सही हो रहा है भाई। कस्टमर आ जाओ यार, ऐसा क्या कर रहे हो, कस्टमर को मैं शायद भगा दिया इसलिए नहीं आए। बाकी अपना ट्रक सही हो चुका है गाइस, इस ट्रक को ले जाना भी आधी आफत है। ये क्या पागलपंती, देखो मेरे को ये पागलपंती पसंद नहीं है, ठीक है इसको लेके कैसे। रुक जा थोड़े बहुत पैसे लग जाएंगे, बट इसको ना मैं बाहर ऐसे निकलवाने वाला हूँ, मेरे पास 598 रुपीज है। इसको चेक द कार, अबे मैं करा ही नहीं सकता हूँ इसको, मुझे ही लेके जाना पड़ेगा, छोड़ो ठीक है। यहाँ से ये निकल रहा है शायद ट्रक, भाई आधी चीज तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन मेरा ट्रक बाहर आ चुका है, और इसको मैं बस ऑफिस के बगल में खड़ा करने वाला हूँ उल्टा ही ले जाके। ओके कस्टमर भी आ गए अपनी ऑफिस पे, लेट्स गो, ले लो ले लो ले लो। अरे कस्टमर मर जाएगा साड़े, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इस मैंने इतनी बड़ी आफत ले ली है, बस ये बिक जाए भाई कुछ भी करके। मैंने खड़ा तो करवा दिया है इसको, ये सेल पे लग रहा है कि नहीं इसको देखते हैं एक सेकंड। नॉट इन द ऑफिस, भाई ऑफिस में कैसे आएगा फिर। पार्क द व्हीकल एट द ऑफिस टू सेल इट, भाई इतना बड़ा तो ऑफिस ही नहीं है। मैम आप बताइए पहले, रुक जाओ इस जगह खाली करवाते हैं। ओके 3,100, रुक जाओ भाई मैम आप बताओ 2,300 यार नहीं दे रहे, इसकी प्राइस इतनी दे ही नहीं रहे जितनी मैंने सोची थी ना, 3,500 भी नहीं दे रहे, वही 3,100 वाला बंदा है। एक और मैम आई है, रुक जाओ भाई। हेलो मैम आप इसका प्राइस ऑफर, इसको मैं बेचने वाला हूँ गाइस, बार्गेन करते हैं इससे अपन 3,500 में, एंड इसने मना कर दिया है, वापिस बार्गेन करते हैं 3,200 में। भाई नहीं इतने कम नहीं बढ़ा रहा मैं, 3,300 में ऑफर करता हूँ। ओके डन गाइस, कार बिक चुकी है, सही है भाई। अभी ना मेरे को इस ट्रक को बेचना है, और ये ट्रक बिक जाए भाई। चल चल पीछे चल थोड़ा सा पीछे। ओके शायद इसको मैंने ऑफिस में भाई पहुंचवा दिया है, बहुत ऑफिस में भाई, अब है ना इन ऑफिस दिखाए बस। ओके लेट्स गो, इस पे मैंने खर्चा किया है 3,050 का, और ये मैं लेके आया था 3,600 में, तो इन टोटल अपने को 4,000 करीबन का पड़ा है। इसको अपन रीजनेबल प्राइस पे डालते हैं भाई, रीजनेबल प्राइस 7,000, एंड लेट्स गो। पोस्ट टाइटल में डाल देता हूं मैं मोटा हाथी, एंड लेट्स गो पुट इट ऑन अस सेल। रशियन बॉक्स ट्रक है वैसे तो ये, बस बट अपने लिए मोटा हाथी है जो कि बेचने पर लगा दिया है भाई। कस्टमर लोग इधर देखेंगे भी नहीं, आ जाएंगे तो। बाकी गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या अपना ये ट्रक बिकेगा या नहीं, ये देखने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना। बाकी अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।